अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे एगलेस रेनबो केक, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अब अगर आपके घर में कोई भी ओकेजन है तो आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। इसको हम डेकोरेट करेंगे कुछ कलरफुल स्प्रिंकलर्स के साथ, जिन्हें हमने घर पे ही तैयार किया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 3/4 कप पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप मिल्क, रूम टेम्परेचर पे लेना है इसको, 1/4 कप कर्ड, इसको भी हमें रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, यहाँ मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर, जो कि है हमारी 3/4 कप, जितनी हमने मैदा ली है उसकी 3/4 हमने चीनी ली है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये मिक्सचर एकदम क्रीमी हो गया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं दही, और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। जिस भी फ्लेवर का आपको केक बनाना है आप उस फ्लेवर का एसेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे वनीला एसेंस ही ऐड करना है। और फिर से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, और अब हम इसका एक लम्स फ्री बैटर तैयार करेंगे। ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, तो अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। एक साथ सभी चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम सभी चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बची हुई मैदा ऐड कर देते हैं, साथ ही ऐड कर देते हैं दूध। इस केक का बैटर थोड़ा थिक रहता है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, हमें कुछ इसी तरह की रखनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब ये बैटर पूरी तरह से तैयार है। बैटर को अब हम 6 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे 6 कलर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे 6 पोर्शन में डिवाइड किया है। बाकी जितने कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग इस बैटर को डिवाइड कर लें। बैटर को हमने 6 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये हमने ब्लू कलर तैयार कर लिया, इसी तरह से पर्पल, येलो, ऑरेंज, ग्रीन और रेड कलर हमने रेडी कर लिया है। अब हम केक टिन लेंगे, जिसको मैंने बटर पेपर के साथ लाइन कर दिया है, और इसमें अब हम इस बैटर को डालेंगे। कुछ इस तरह से हमें बैटर को इसमें डालना है। कुछ रैंडम हमें डिज़ाइन बनाने हैं। ये देखिए, ये बैटर को हमने केक मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इसको बेक करेंगे। इसको हम बेक करेंगे प्री हीटेड कढ़ाई में, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ये कूलिंग स्टैंड रख दिया है। केक मोल्ड को इसमें रख देते हैं, और अब हम इसको कवर करके 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे।
35 मिनट्स हो चुके हैं और केक अब बेक हो चुका है। वाओ, ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी तरह से केक राइस कर चुका है। टूथपिक से इसको चेक कर लेंगे और टूथपिक एकदम क्लीन है। अब हम केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए, मैं आपको उसको पास से भी दिखा देती हूँ, केक कितनी अच्छी तरह से राइस कर चुका है। इसे अब पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर इसको डिमोल्ड करेंगे। केक अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया था, इसलिए इसको डिमोल्ड करने में बहुत आसानी हो जाती है। और बटर पेपर को हम हटा देते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से केक बेक हुआ है, ये देखिए, और कितना अच्छा इस पे कलर आया है। अब हम इसकी आइसिंग करेंगे, जिसके लिए हम केक को लेयर्स में डिवाइड करेंगे। जितनी लेयर्स में आप डिवाइड करना चाहें उस अकॉर्डिंग आप इसे कर लें। ये हमने एक लेयर निकाल ली है और ये देखिए केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी तरह से दूसरी लेयर भी निकाल लेते हैं। अब हम केक की बॉटम लेयर पे व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। क्रीम को घर पे किस तरह से व्हिप कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ इसका लिंक दिया हुआ होगा। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सेकेंड लेयर और इसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम लगा देते हैं। आज मैं केक की आइसिंग व्हिपिंग क्रीम के साथ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमने इसके ऊपर फाइनल लेयर लग दी है और इसको अच्छी तरह से क्रीम के साथ हम कवर कर देंगे। इस तरह से हम इसकी साइड्स भी कवर करेंगे। स्क्रेपर की हेल्प से हम केक की साइड्स को स्मूथ कर देते हैं। केक अब कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे ये थोड़ा सेट हो जाए। 15 मिनट बाद क्रीम केक के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसके ऊपर हम लगाएंगे रेनबो, ये देखिए, इस तरह से हमने रेनबो लगा दिया है। अब हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लेंगे और साथ ही हम लेंगे स्टार नोजल और इस तरह से हम क्लाउड्स बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने क्लाउड्स बना दिए हैं। अब हम लगाएंगे कलरफुल स्प्रिंकलर्स, ये कुछ इस तरह से हमें लगाने हैं। अगर आप इन स्प्रिंकलर्स की और रेनबो की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली भी उस पर क्लिक करके इस रेसिपी को देख सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर देते हैं। अब हम केक को बॉर्डर देंगे। और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं रेनबो बॉल्स। अब हम केक को कट करेंगे।
बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। एगलेस रेनबो केक रेडी है, जिसको हमने विदाउट अवन बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।